लक्ष्मण जी माफ करें देर से आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अब जो एक ओबीसी गैर ओबीसी की बात करते हैं, माइनस यादव ओबीसी की बात करते हैं, जो थ्योरी लगातार बीजेपी की इमरजेंस के बाद, खास तौर से 2014 के बाद ज्यादा होने लगी, हालांकि यूपी में बीजेपी उस पर 30 साल से काम करती रही है, लेकिन अब वही बात आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अगर मौर्या या सैनी या चौहान नोनिया या इस तरह से अलग अलग बिरादरियों के कुछ नेता 8, 10, 12, 15 आ जाते हैं अगर, तो क्या उसका असर ये होगा कि अपने 2-4 सीटों को छोड़कर राज्य के दूसरे हिस्से में, अगर दूसरे इलाके में भी उस बिरादरी समाज के लोग हैं, वो वोट ट्रांसफर होगा, और वो होगा तो वो जो हिंदुत्व का जिसका आवरण उनको पहना दिया गया है, जो मैं बार बार जिक्र करूंगा क्योंकि मैं फील्ड में घूम रहा हूं तो मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं। बात हम करते हैं ब्राह्मण बनिया ठाकुर की, लेकिन मैंने देखा है ओबीसी में जबरदस्त वहां भी हिंदुत्व का असर है, वो भी मंदिर का जिक्र करते हैं, 370 बोलने लगते हैं, तलाक बोलने लगते हैं, और मुसलमानों के प्रति नफरत का माफ कर इजहार करते हैं। क्या उसको तोड़ पाएंगे अखिलेश यादव? इसको जरा आप समझते हैं, समझाइए लक्ष्मण जी। जी, बहुत शुक्रिया अजीत जी। और ये सवाल केवल भाजपा या सपा का सवाल नहीं है, उत्तर प्रदेश की सियासत का विश्लेषण जो लोग करते हैं उन्हें भी इसका अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश, खासकर पूरे भारत के संदर्भ में अगर बात करें, तो एक ऐसी जमीन है जो कम से कम मंडलवादी आंदोलन, सामाजिक न्याय के आंदोलन का एक मजबूत केंद्र रहा है, और लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी मतलब कमजोर ताकत के रूप में वहां पर मौजूद रही है। इसकी वजह यह है कि इन तमाम जातियों के भीतर एक राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, और मंडल के समय तो एक बड़ी छतरी बनी थी, और बाद में धीरे धीरे इन सभी जातियों के भीतर वो सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया, राजनीति और आर्थिक वजहों से उन सब में एक हिस्सेदारी का सवाल उभरा है और नेतृत्व उभरा है। अब आपके सवाल को ही मैं एक काउंटर क्वेश्चन के रूप में रेज करूं कि इसके पहले क्या हुआ था। इसके पहले भी तो यही हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं तमाम जातियों के नेताओं को अपने साथ मिला करके एक बड़ी एका बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाब साबित हुई। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पर तो वो अपने जाति का वोट ट्रांसफर कराते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने पर क्या वो अपनी जाति का वोट ट्रांसफर नहीं कराएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में हमारी तरफ एक तमाशा दिखाने वाले अक्सर आते थे पूर्वांचल की तरफ, अब पता नहीं उनका भी रोजगार छिन गया होगा, वो मिट्टी का धूल लेकर के थोड़ी देर में उसको जादू करके पैसा बना देते थे। अब उसमें जो होता ये था कि सबको पता है कि मिट्टी के धूल से पैसा नहीं बनता, लेकिन इसका अर्थ क्या होता था, वो मिट्टी से 1 रुपया बनाता था और आपकी जेब से 10 रुपया लेके चला जाता था। हुआ ये है कि जाति की गोलबंदी करके वह भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति किया करती थी, उसने जातिगत गोलबंदी करके अपनी सत्ता हासिल की, मगर 5 साल में इन जातियों को कुछ हासिल नहीं हुआ, जो था वो भी चला गया। इसलिए मैं एक दूसरा पहलू भी इसमें जोड़ना चाहता हूं कि ये केवल नेताओं की नाराजगी नहीं है कि वो एक दल छोड़ करके दूसरे दल में जा रहे हैं, उनके तबके में ये नाराजगी है, ये आक्रोश है कि आपने दरअसल हिंदुत्व के नाम पर हमारा एक इस्तेमाल किया है, इसलिए मुझे ज्यादा भरोसा है कि वो शिफ्ट होंगे। आखिरी बात, इसमें ये होता है कि अभी पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार भी थी तो उसमें भी यादववाद होता था। अब ये बात मैं बोलूंगा तो इसका कोई बहुत असर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा। इस समय हो ये रहा है कि दोनों डेटा को कलेक्ट करिए, और हम दिल्ली में या तमाम जगहों पर बैठकर एनालिसिस जब करते हैं तो कहां चूक जाते हैं। आज 21 डीएम अजय सिंह बिष्ट के ठाकुर जाति के हैं, 35 से ज्यादा आईपीएस जो एसएसपी रैंक पे बैठे हुए हैं वो ठाकुर हैं, और 850 तहसीलें हैं, 1700 थाने हैं, इनपे 50% से ज्यादा ठाकुर पोस्टेड हैं। ये आंकड़ा आप सामने रखें, और दूसरी तरफ केवल एक आंकड़ा आया था कि थानों में यादव ज्यादा है, उसका भी कोई ऑब्जेक्टिव डेटा नहीं था, क्योंकि यादव हमारे टीवी में तो बैठ करके अपराधी की जाति अपराधी जोड़ करके कहा जाता है कि वो जाति वही है। मसलन हो क्या रहा, अतीक अहमद के नाम पर, मुख्तार अंसारी के नाम पर क्या इस देश में पूरे मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई जा रही? वही काम तब भी हुआ था। और मेरा मानना यह है अजीत जी कि अभी जो परिदृश्य बदल रहा है, मैं पहले की चीजों से सहमत हूं, इसमें कोई अखिलेश यादव की बहुत बड़ी भूमिका है यह बात तो ठीक है कि वो नहीं है,
ये योगी के खिलाफ माहौल बना हुआ है, जिसका फायदा सबसे ज्यादा अखिलेश यादव उठा ले रहे हैं। अखिलेश यादव की इतनी भूमिका है कि वो ये साबित करने में कामयाब हो रहे हैं कि योगी को शिकस्त देने के क्या का जो मौका है वो न तो बसपा के पास है और न कांग्रेस के पास है, इसलिए वो एक बड़ी गोलबंदी बनती जा रही है। उनका नौजवान होना और रही सही कसर जो रथ यात्रा निकली थी उसमें, और आखिर में जो एक नारा दिया गया है वो उत्तर प्रदेश में कारगर होगा, लोहियावाद के साथ अम्बेडकरवाद का। यह केवल नारा नहीं है, असल में वो जो जातियों को जोड़ना है और उन जातियों को जिनमें समाजवादी अंबेडकरवादी ट्रेनिंग है कम से कम, वो मुझे लगता है कि शायद सफल हो सकती है, बशर्ते कि राजभवन और डीएम और एसपी जो वहां रखे गए हैं वो अपनी भूमिकाएं कितने निभाते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हाँ, ये थोड़ा सा शरद जी ने जो बोल दिया कि आलोक भाषण न दे, चलिए अच्छा लगा। लक्ष्मण जी से क्लोजिंग रिमार्क ले लेते हैं, चूंकि एक ही बार बोल पाए। लक्ष्मण जी, बात वही ओबीसी की, गैर यादव ओबीसी की, वो आंकड़े बाजिया हमने पिछली बार भी बात की, वो गैर यादव ओबीसी का वोट बीजेपी को 2017 में 61% वोट का मिलना और उसकी वजह से बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी। वही सवाल थोड़ा सा घुमा के फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या ये दर्जन भर नेताओं के आने से बीजेपी ने जो इतने सालों की मेहनत मशक्कत, हिंदूकरण कहूंगा मैं खास तौर से, और मैं जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं घूम के महसूस कर रहा हूं, कई बार मेरे लिए कहें कि शॉकिंग ढंग से रिविलेशन हुआ जब कोई निषाद, कोई सैनी, कोई कश्यप, कोई मतलब मैं जाट गुजर की बात ही नहीं कर रहा हूं, उन जातियों, प्रजापति इवन, उन जातियों की बात कर रहा हूं जो अति पिछड़ी जातियां और उसमें कुछ एससी समाज के भी लोग हैं, ये भी आपको बताऊं, जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं कई बार आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे मन में राम है, मेरे लिए राम की तरह है मोदी, जीते भी मोदी, मरते भी मोदी, कोई कुशवाहा बोल रहा, तो मैं थोड़ा चकराता हूँ। मतलब कोई सब्जी वाला भी ऐसा है, सब्जी बेच रहा है, मैं एक छोटी सी 30 सेकंड में एक बात सुनाता हूँ, शायद बुलंदशहर या कहीं का सब्जी वाला बेच रहा था सब्जी और अंगोछा पहन रखा था, अगस्त का महीना था, थोड़ी गर्मी थी, तो वो बोलने लगा कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, योगी ने ये किया, दिस दैट, लंबी कहानी, और 200 रुपए तेल क्या, 400 होगा तो भी लेंगे, मोदी के नाम पे, जीते भी मोदी, मरते भी मोदी। तो मैंने कहा भाई ये इतनी महंगाई है, आपने अंगोछा पहन रखा है, ये भी खुल जाएगा, वो बंदा अंगोछा खोल हो गया एक तरह से कि मोदी के नाम पे सब कुछ खुलता। तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्लोजिंग कि ये जो हिंदूकरण कर दिया गया और उनके भीतर इंजेक्शन, सही शब्द का इस्तेमाल उर्मिलेश जी ने लिया, वो इंजेक्शन जो दे दिया गया उससे निकलेंगे? जी अजीत जी, पहले तो चूंकि इतनी अच्छी बहस हो रही थी तो मैं उस पर एक टिप्पणी तो जरूर करना चाहूंगा कि अभी शरद जी ने जो बात कही तो काउंटर वो करना चाह रहे थे यादवाइजेशन के फैक्ट का, तथ्य का, और जिक्र कर दिया भाषण का, तो ये बड़ा गड़बड़ हो गया। वो मुलायम सिंह यादव जी के भाषण का जिक्र कर रहे थे, वो उससे यादवाइजेशन नहीं है। पुरानी पीढ़ी के तमाम नेताओं में और वर्तमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों की अगर फेहरिस्त निकाली जाए तो ऐसे ऐसे कपड़ों से पहचानने से लेके क्या क्या बोला गया अभी उस पर नहीं जाते। ये एक सियासत की का जो स्तर गिरा है वो हर तरफ गिरा है, हम लोग उस पीढ़ी के लोग नहीं है। दूसरी बात, मेरा कहना केवल ये था कि अगर जो काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है फेक नरेशन, फेक फैक्ट फैक्ट को प्रचारित करने का, अगर हम उसके आधार पर चलेंगे तो पता नहीं हम कितने ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर पाएंगे, ये बस मेरी टिप्पणी थी। और आपके सवाल पर टिप्पणी यही है जो उर्मिलेश जी ने बात कही थी और अभी और तमाम साथियों ने कही है, मैं उसी को कंटिन्यू करके आगे बढ़ा रहा हूं कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि जिस जमीन को, उत्तर भारत की जमीन को अंबेडकर और लोहिया की जमीन के रूप में तब्दील होना था, जिस जमीन पर बनारस को कबीर के नाम पर और रैदास के नाम पर आगे बढ़ना था, उस बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और अभी आपने मंदिरों की संख्या बताई, जितने मंदिर तोड़े गए, ये मंदिर कोई और तोड़ता तो वहां दंगा होता, यहां हिंदूवादी लोग ही मंदिर तोड़ रहे थे, यह नहीं हो पाया। एक सोशल रिफॉर्म जो होना था वो नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि ओबीसी और दलित की तमाम जातियां हिंदुत्व के फ्रेम में आ जाती हैं। ये वो चीज है जो दिल्ली, जो पूर्वांचल में, हमारे यहाँ एक लड़का जो है दिल्ली एडमिशन लेने आया तो यूपीएससी के कोचिंग में एडमिशन लेना चाह रहा था, वहां से रजिस्ट्रेशन करा दिया, यहां आया तो पता चला सिलेबस ही बदल गया और गलत कोचिंग थी, पैसा लेके भाग गई।
यही बीजेपी ने किया है इन दलित पिछड़ी जातियों के साथ। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि एक पीढ़ी अब इन दलित पिछड़े नौजवानों की है जो 69,000 शिक्षक भर्ती का सवाल उठाती है, जो रोजगार का सवाल उठाती है, जो जो कहती है कि आप अगर हिंदू बनाते हो हमें तो हमारे प्रोफेसर क्यों नहीं, हमारे डीएमएसपी क्यों नहीं, हमारे वकील क्यों नहीं, हमारे खेत में हिस्सा क्यों नहीं, हमारी किसानी बर्बाद हो गई। तो मैं ये समझता हूं अजीत जी कि एक नया सामाजिक बदलाव आ रहा है जो समसामयिक मसलों पर उस तरह के सवालों को उठा रहा है जिसका जवाब न दे पाने की स्थिति में वो काशी मथुरा अयोध्या कर रहे हैं। और दिलचस्प बात देखिए, काशी अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये बात कहने आगे कौन आ रहा है? मौर्य जी आ रहे हैं जिनको खुद पहले 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 प्रदेश अध्यक्ष बना करके वोट लिया गया और बाद में मिला स्टूल। ये एक सिंबोलिज्म नहीं है कि स्टूल मिला, यही असल में 5 साल उन जातियों को मिला है। यह बात भी आपकी चिंता बिल्कुल जायज है कि जितना सबको समझ में आ जाना चाहिए था कि आप हिंदुत्व के नाम पर जो इस्तेमाल किए गए वो मुस्लिम विरोध के दंगे के लिए इस्तेमाल किए गए। और जब मौका मिला राम मंदिर ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में एक दलित है, बाकी ओबीसी का कोई नहीं। ओबीसी के कितनी जातियों को नौकरी मिली, रोजगार मिला, अब ये चिंता का विषय बना है। मुझे लगता है कि यह जो चिंता है ना, यह नेताओं पर असर करती है। और मैं ये आखिरी बात जोड़ रहा हूं, उत्तर प्रदेश और खासकर उत्तर भारत में माननीय कांशीराम का जो आंदोलन था, जो एक सोशल रिफॉर्म की जमीन बना रहा था, और उसकी जमीन पर जब बसपा आई थी तो उसने लखनऊ से लेकर नोएडा तक सामंती पितृसत्तात्मक जातिवाद गढ़ों पर अपने बहुजन आइकॉनों की मूर्तियां ही नहीं स्थापित की, उनको हिम्मत और हौसला दिया था। बस विडंबना यह है कि उन्हें बहुजन से सर्वजन पर जाने को मजबूर कर दिया गया, और उसके सियासी कारण हो सकते हैं। अखिलेश यादव आज अगर लोहियावाद के साथ अंबेडकरवाद का बात कह रहे हैं तो ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक सोशल प्रेशर है जो उन्हीं नौजवानों का है, सोशल मूवमेंट का है, तमाम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम किया है, जिन्होंने यह बात बीजेपी को पहले समझा दी थी कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व नहीं चलेगा। हाँ, 2 बार 3 बार चल गया। मुझे लगता है अजीत जी कि इस बार हिंदुत्व का ये गुब्बारा फुस होगा और इसीलिए वो मजबूर है, नहीं तो वो कहते कि सब हिंदू हैं, कोई सपा में रहे तब भी हिंदू, भाजपा में रहे तब भी हिंदू। लेकिन जाति एक ऐसी सच्चाई बन गई है, वो पॉलिटिकल पावर और सोशल इकोनॉमिकल पावर के चलते बनी है, जिसका असर 2022 के चुनाव में दिखेगा। और बीजेपी का हिंदुत्व का गुब्बारा इसमें फेल हो रहा है, और चुनाव देखिए हिंदुत्व से शिफ्ट हो गया दूसरी तरफ। भले ही अयोध्या से चुनाव लड़ ले, मुझे नहीं लगता कि बाबा जी को अब वापस मठ में जाकर के क्या करना पड़ेगा, ये एक अलग बात है। और आखिर बात ये, मैंने भी कोई भाषण नहीं दिया, इसमें तथ्य भी ढेर सारे थे। थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल भाषण दिए बगैर, मैं लक्ष्मण जी ने जो कहा वहीं से क्लोज करता हूं आप सभी मेहमानों का। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का गुब्बारा इस बार फूटेगा,